नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह दैनिक समाचार से। आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं प्रेस क्लब जम्मू में, और प्रदर्शन करने की वजह जो है ये पहले भी प्रदर्शन करते हैं लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं है। सैलरी जो है उसे बढ़ाने की मांग और भी कुछ मांगों को लेकर ये लोग प्रदर्शन करते हैं लेकिन प्रदर्शन जो है वो किया तो जाता है लेकिन सुनवाई कोई नहीं है। और जब भी इनसे बात की तो इन्होंने यही कहा कि हमसे काम ज्यादा करवाया जाता है और पैसा जो है वो कम दिया जाता है। लगभग 5000 से ज्यादा इनकी सैलरी होगी लेकिन अभी ये लोग जो है यहाँ पे प्रेस क्लब में बड़ी मात्रा में एकत्रित हुए हैं। और अब इन लोगों ने क्या ये यहाँ से रोड पर निकलेंगे प्रदर्शन करते हुए, क्या रोड ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे ये, और इनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो महिला पुलिसकर्मी हैं उन्होंने यहाँ पर इनका रास्ता रोका है ताकि ये लोग ये महिलाएं रोड पर ना निकल जाएं और रोड ब्लॉक जो है वो ना करें और लोगों को परेशानी जो है वो इससे ना हो। एक मिनट, अच्छा माता जी कहाँ से आए हो आप? हम नानक नगर से आए हैं। नानक नगर से क्या क्या मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? मांगे हमारी, हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है। 10 महीने पिछले हमने स्ट्राइक की थी, 4 महीने की वो पेंडिंग रह गई है, वो भी नहीं दी है हमें। दे नहीं रहे सर, दे नहीं रहे ना स्टेट वाले दे रहे हैं ना सेंटर वाले दे रहे हैं। अच्छा, क्या करना है? कितने महीने हो गए? कितने महीने हो गए? अब 8 महीने लगे हैं, 9वां महीना लगा है। 8 महीने हो गए, 9वां महीना लगा है और 4 महीने की पिछली है पेंडिंग, 4 महीने की पिछली पेंडिंग जो स्ट्राइक वाली, वो भी नहीं दी, वो भी नहीं दे रहे। हाँ, दे नहीं रहे कुछ नहीं। हाँ, अच्छा आप थोड़ा सा इस तरह घूमे, क्या नाम है आपका? सरिता शर्मा। अच्छा कितने महीनों से सैलरी नहीं थी? 10 महीने से हो गया सैलरी नहीं मिली हमें। 10 महीने से? हाँ। और काम? काम तो बहुत है, सुबह से लेकर रात तक ऑनलाइन। अभी 9:30 बजे रात को तभी इन्फॉर्मेशन हमें अभी रोको दो, 10 बजे तभी इन्फॉर्मेशन दो। सुबह उठते हैं तो पहले मोबाइल देखना पड़ता है, कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं भेजनी है। काम बहुत है, काम मतलब डबल डबल से भी ट्रबल चल रहा है। नहीं तो ये किन मांगों को लेकर आज आप प्रदर्शन? हमारी मांग तो यही है कि हमारी जो पे है वो जल्दी से जल्दी रिलीज की जाए, दूसरा जो 18-19 का पैसा हमारा पेंडिंग है वो हमें दिया जाए। 18-19 का मतलब? 18 से की 3 महीने की पेंडिंग है, 19 की भी पेंडिंग है, वो अभी तक निकाली नहीं। 3 साल में जो पेंडिंग है वो भी दिया जाए? वो भी दिया जाए। और बाकी जो मिनिमम बेस है वो हमारा किया जाए, इतना काम लेते हैं। पोषण वाटिका का बोला था इन्होंने पैसा देंगे, वो भी नहीं दिया। फिर पोषण ट्रैक का बोला था, वो भी नहीं हमें दिया। पेंटिंग का बोला था कि दीवारों में पेंटिंग कराओ, लड़कियों बेचारियों ने 3-3 हजार खर्च करके मतलब पेंटिंग करवाई, उनका कोई पैसा नहीं। फिर हमें मोबाइल चलाना, हमें रिचार्ज तो दिया जाए, वो भी नहीं। फोन दिए हैं, वो भी एक कटारे जैसे, जाते ही खराब हो गए, वो भी कहते आप खुद लो, हमें खुद लेने पड़ रहे हैं फोन भी, क्या करें हम? ये कहते हैं कि हमें खुद लेने, इतनी सी पे से हम कैसे लेंगे, कहते नौकरी छोड़ो और घर बैठ जाओ। आप बताओ क्या करें हम? कौन कहता है? सभी कहते हैं, डिपार्टमेंट के भी सभी कहते हैं। कौन सा डिपार्टमेंट है? हमारा ICDS है, उनके जो बड़े अधिकारी वो क्या कहते हैं कि नौकरी बैठ जाओ घर पे। अच्छा, काम तो करना पड़ेगा, चाहे अपने फोन लो चाहे जैसे मर्जी करो, हमें तो काम चाहिए। आप अपना नाम बताएंगे? हाँ, मेरा नाम मुन्ना देवी है। प्रदर्शन के बारे में थोड़ा बताएं। प्रदर्शन के बारे में हमारा ना 10 महीने से कोई सैलरी वगैरह नहीं है। अच्छा। 2018 का 2019 का हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है पैसा, वो पोषण ट्रैकर का नहीं दे रहे हैं,
जो रिचार्ज वगैरह जो पूरे काम आजकल ऑनलाइन किए जा रहे हैं वो वैसे हम खुद अपने पास से देते हैं, कोई रिचार्ज वगैरह नहीं देता हमें। बोलते हैं अभी इन्होंने सेंटरों में बोला कि पेंटिंग कराओ, पेंटिंग कराई हमने, पेंटिंग कराई 4,000 रुपया मेरा पेंटिंग में लग गया, हमें किसी ने कोई पैसा नहीं दिया, सब झूठ बोलते हैं हम आ जाएगा आ जाएगा। अभी तक 10 महीनों से हमें पे नहीं मिल रही है, पे कितनी है मात्र 5,000 रुपया, उसे आप बताओ कि हम कैसा गुजारा करेंगे। इस सरकार को ये भी पता होना चाहिए कि आपका इतने इतने तो आपके कुत्ते खा जाते हैं, हैं? तो हमारे बच्चे किस टाइम से पढ़ रहे हैं, किस हिसाब से हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम कैसे काम कर रहे हैं, और काम इतना कि हद से ज्यादा, पूछो मत। एक दिन भी हम छुट्टी नहीं ले सकते, एक छुट्टी भी नहीं है हमारे लिए, तो बताओ हम कैसे गुजारा कर पाएंगे। ये सरकार अंधी है, ये स्टेट गवर्नमेंट गूंगी है, इसको कुछ नहीं पता कि ये कैसे अपना टाइम पास कर रही हैं ये औरतें। अभी ये बोल रहे हैं क्या ये औरतों को शौक है, कोई शौक के लिए अपने ग्राउंड में नहीं आता है, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। कहाँ कहाँ से आई हैं आज औरतें? बिलावर से, उधमपुर से, किश्तवाड़ डोडा से, बहुत लड़की, हर बिलाव से लड़कियाँ आई हैं। कश्मीर से नहीं है, सभी तो ये देखें आप परेशानी है, 5,000 से शायद 5,500 इनकी सैलरी होगी और काम डबल और पैसा दिया नहीं जा रहा। कुछ पेंडिंग सैलरीज हैं, ये कह रहे हैं कि 2018-19-20 उसमें भी कुछ पेंडिंग थी, वो भी नहीं दिए जा रहे। रिचार्ज नहीं, जो फोन पे बात करते हैं ये लोग, रिचार्ज नहीं करवाए जाते, वो भी ये जेब से करते हैं। इसके अलावा कुछ पेंडिंग बनाई थी उसका भी इनको पैसा जो है वो खुद जेब से लगाकर इन्होंने वो सब किया, लेडीज ने, लड़कियों ने, कोई पैसा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे एक प्रेशर बिल्ड कर इनको बाहर निकालने का प्रयत्न किया जाए ताकि ये औरतें परेशान हो जाएं और चले जाएं ये छोड़कर। लेकिन इसके ऊपर आप भी अपनी राय रखें और देख रहे हैं दैनिक समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें साथ साथ। नमस्कार।